बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 7 यूनिट नंबर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसकी लर्निंग चेक 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द टर्म टू टर्म रूल इन द फॉलोइंग पैटर्न्स, ऑल्सो फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द गिवन पैटर्न्स। तो नीचे हमें एक पैटर्न दिया गया है, हमने इसकी टर्म टू टर्म रूल भी लिखना है और फिर आगे इसकी तीन टर्म्स भी लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जो ए है उसमें हमें गिवन है 5, 17, 29, 41, 53। अब हमने देखना है कि इसमें अगर गौर किया जाए कि 5 से 17 मतलब इसमें 12 ऐड हो रहा है, फिर 17 में 12 ऐड करें तो 29, फिर 29 में 12 ऐड करें तो 41। इसका मतलब जो इसमें रूल इस्तेमाल हुआ है वो है ऐड 12। तो जब इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स जो होंगी वो इस तरह होंगी, पहले हम लिख लेते हैं 5, 17, 29, 41, 53। अब 53 में आप ऐड कर दें 12 तो ये आ जाता है 65, फिर 65 में 3 ऐड 12 ऐड कर दें तो ये आ जाता है 77, और 77 में 12 ऐड करें तो ये आ जाता है 89। पार्ट बी है 12, 23, 34, 45। तो अगर इसमें गौर किया जाए तो 12 में 11 प्लस करें तो 23 आ जाता है। इसका मतलब इसका जो रूल इस्तेमाल हो रहा है वो है ऐड 11। तो अब इसकी जो पहली टर्म्स है वो लिख लेते हैं 12, 23, 34, 45। अब इसके आगे हमने तीन टर्म्स खुद लिखनी है, तो 45 में 11 ऐड करें तो आपके पास आ जाता है 56, फिर 56 में 11 ऐड करें तो आ जाता है 67, और 67 में 11 ऐड करें तो आ जाता है 78। पार्ट सी है 112, 170, 228, 286, 344। अब इसमें आप ये करें कि जैसे नेक्स्ट टर्म जो है इसको पिछले टर्म में से माइनस कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि हर टर्म में जो है 58 जो है वो ऐड हो रहा है। तो जो रूल इस्तेमाल हुआ है पार्ट सी में वो है ऐड 58। तो आप इसकी पहली वाली टर्म्स लिख लें 112, 170, 228, 286, 344। अब इसके आगे जो तीन टर्म्स हैं वो हम लिख लेते हैं। अब जैसे 344 में हम 58 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 402, फिर 402 में हमने 58 ऐड करना ये आ जाएगा 460, फिर 460 में हमने ऐड करना है 58 तो ये आ जाता है 518। पार्ट डी है, पार्ट डी में हमें 3, 8, 13, 18, 23 गिवन है। तो हमने चेक करना है कि ये किस तरह ये पैटर्न बन रहा है। तो आप 8 में से 3 माइनस करें तो आता है 5। अगर आप गौर करें तो हर टर्म में 5 जो है वो ऐड हो रहा है, तो इसका जो रूल है टर्म टू टर्म वो है ऐड 5। तो पहली टर्म है 3, 8, 13, 18, 23। अब 23 में 5 ऐड करें तो 28, 28 में 5 ऐड करें तो 33, और 33 में 5 ऐड करें तो 38। तो ये हमने तीन टर्म्स जो हैं वो फाइंड कर लिए। पार्ट नंबर ई है 347, 340, 333। तो अब इसमें अगर आप गौर करें तो 347 जो है वो कम होके 340 हो गया, 340 कम होके 333 हो गया। इस तरह आपने यहाँ पे ये गौर करना है कि ये जो टर्म्स हैं इसमें जो है वो 7 रिड्यूस हो रहा है, यानी आप लिख लें सब्ट्रैक्ट 7। तो 347 में से 7 कम करें 340, 340 में से 7 कम करें 333। अब 333 में से 7 कम करें तो आपके पास आ जाएगा 326, 326 में से 7 कम करें 319, और 319 में से 7 कम करें तो 312। पार्ट नंबर एफ है 1/4, 2/4, 3/4, 1/5/4 एंड सो ऑन। तो इसमें अगर आप गौर करें तो हर टर्म में जो है वो 1/4 ऐड हो रहा है। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं आप कि नेक्स्ट टर्म में से जो प्रीवियस टर्म है पिछली टर्म है उसको माइनस कर लें आप रफ वर्क में। तो जब आप इसको इस टर्म से माइनस करेंगे तो आपके पास 1/4 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हर टर्म में जो है वो 1/4 का गैप है। तो इसका जो सबसे पहले रूल लिख लें आप पार्ट एफ का वो है ऐड 1/4। तो अब इसकी जो टर्म्स है वो पहले 1/4 है, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर 1, फिर 5/4।
अब इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स लिखनी है, 5 ओवर 4 में 1 ओवर 4 ऐड करें तो आ जाता है 6 ओवर 4, 6 ओवर 4 में 1 ऐड करें तो ये आ जाता है 7 ओवर 4, 7 ओवर 4 में 1 ओवर 4 ऐड करें तो ये आ जाएगा 2। तो ये जो लास्ट थ्री टर्म्स है हमारी, 6 ओवर 4, 7 ओवर 4 और 2, ये इसका आंसर है। और इसके अलावा ये रूल जो हमने लिखे ये भी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई दी पोजिशन टू टर्म रूल्स फॉर द फॉलोइंग पैटर्न्स एंड फाइंड द 12th एंड 25th टर्म्स। तो आपने पहले पोजिशन टू टर्म रूल फाइंड करना है और उसके बाद इसकी 12वीं और 25वीं जो टर्म है वो भी फाइंड आउट करनी है। पार्ट ए है 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें अगर हम इसका पोजिशन टू टर्म रूल बनाएँ तो पोजीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मैंने लिख ली, और जो पहली पांच टर्म्स दी हैं वो भी मैंने इसमें लिख ली हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसके दो रूल बन सकते हैं, या तो आप ये कर सकते हैं कि इसमें ज़ीरो ऐड कर लें, ये एक रूल बन सकता है, या इसका जो दूसरा रूल वो ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर लें, ये दोनों इसके रूल बन सकते हैं। तो अगर हम ऐड वाला करें तो जैसे 0 + 1 है वो अगर हम लिख लें इस तरह, 1 + 0, 2 + 0, 3 + 0, 4 + 0 और 5 + 0, तो हमारे पास यही टर्म्स आ जाएंगी। तो 12th टर्म इसकी आपने इस तरह निकाल लेनी है कि 12 में आपने 0 ऐड कर देना तो 12 आ जाएगा, और 25th टर्म आपने इस तरह कैलकुलेट कर लेनी है कि 25 में आपने 0 ऐड करना तो 25 आ जाएगा। पार्ट बी है, उसमें आपको पोजीशंस दी गई हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे 2, 4, 6 और 8। तो आपने इस तरह फाइंड आउट किए हैं कि 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 आ जाता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 8। इसका मतलब ये कि हर टर्म को, हर पोजीशन को आपने जो है वो 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। 12th टर्म अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो आपने 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये आ जाता है 24, और अगर आपने 25th टर्म कैलकुलेट करनी है तो आपने 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आ जाता है 50। पार्ट सी में हमें पांच पोजीशंस दी गई हैं, इसकी पहली पोजीशन पे 1/2 लिख दिया टर्म, 1, 3/2, 2 और 5/2। अब इसका जो रूल इस्तेमाल किया गया है वो है डिवाइडेड बाई 2, यानी आपने 1 को 2 पे डिवाइड कर दिया तो आ गया 1/2, 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 1, 3 को 2 पे डिवाइड करें 3/2, 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2, और 5 को 2 पे डिवाइड करें तो 5/2। इसका मतलब आप इस तरह लिख लें, वन डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 और 5 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब जो भी आपको टर्म अचीव हो रही है उसमें आपने डिवाइड बाय 2 किया है। तो अब आपने अगर 12th टर्म फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपने 12 को 2 पे डिवाइड कर देना है, तो 12 को अगर 2 पे डिवाइड करना है तो 6 आ जाता है। और 25th टर्म अगर आपने निकालनी है तो आपने करना ये है कि 25 को 2 पे डिवाइड कर देना है तो आपके पास आ जाएगा 25/2। पार्ट नंबर डी में जो रूल इस्तेमाल किया गया है, पोजीशन और टर्म हमने लिख दिए हैं, तो रूल इस तरह है कि पोजीशन में अगर आप 10 ऐड करें तो आपकी फर्स्ट टर्म जो है वो आ जाती है, जैसे 2 में 10 ऐड करें तो 12, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 + 10, 2 + 10, 3 + 10, 4 + 10 और 5 + 10। तो ये रूल आ गया है हमारे पास। अब हमने 12th टर्म फाइंड आउट कर लेनी है, तो 12th टर्म इज़ इक्वल टू जो पोजीशन है यानी 12, उसमें 10 ऐड कर दें तो यह आता है 22, और अगर 25th टर्म जैसे हमने फाइंड आउट करनी है तो हम लिख देंगे 25 + 10 इज इक्वल टू 35। पार्टी में जो है रूल इस्तेमाल किया गया है वो है मल्टीप्लाई बाय 9, यानी अगर आप पोजीशन जैसे 1 है उसको 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाता है, 2 को 9 से करें तो 18, 3 को 9 से करें तो 27। तो ये हमने रूल भी लिख दिया। अब हमने 12th टर्म निकालनी है, 12th टर्म इज इक्वल टू आपने 12 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आ जाएगा 108, और अगर आपने 25th टर्म निकालनी है, 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाता है 225। क्वेश्चन नंबर 3 है, मरवा रीड 12 पेजेस ऑफ द बुक ऑन द फर्स्ट डे, 18 पेजेस ऑन द सेकंड डे एंड 24 पेजेस ऑन द थर्ड डे। तो जो पैटर्न है वो है 12, 18, 24।
आपने ये बताना इफ़ शी फॉलोज दिस पैटर्न, यही पैटर्न अगर वो फॉलो करे, हाउ मेनी पेजेस शी विल रीड ऑन द फोर्थ एंड फिफ्थ डेज रिस्पेक्टिवली। तो इसका रूल अगर हम फाइंड आउट कर लें, देखें 12 और 18, इनमें फ़र्क जो है वो 6 का है। इसी तरह 18 और 24 में भी आप अगर देखें तो 6 का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है वो ऐड करना है 6। अब अगर फोर्थ डे का हमने कैलकुलेट करना है तो हमने करना ये है कि जो थर्ड डे यानी 24 है उसमें आप 6 ऐड कर दें तो आ जाएगा 30 पेजेस। और फिफ्थ डे पे कितने पेजेस रीड करेगी उसके लिए आपने लिख रहा है फिफ्थ डे इज़ इक्वल टू, तो जो प्रीवियस आपकी वैल्यू आई है यानी फोर्थ डे की उसमें आप 6 ऐड कर दें, 30 आ गया हमारे पास एक आंसर। उसके बाद 30 में हमने 6 ऐड कर देना, ये आ जाता है 36 पेजेस। तो ये हमारा आंसर है 30 और 36। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहित हैज़ बिगन वर्किंग आउट, ही ग्रेजुअली इंक्रीज इज एक्सरसाइज टाइम, ऑन मंडे ही वर्कड आउट फॉर 10 मिनट्स, 30 मिनट्स ऑन ट्यूजडे, 16 मिनट्स ऑन वेनसडे। तो जो पैटर्न है वो 10, 13 और 16 का है, मतलब इसमें 3 मिनट्स का जो है वो एडिशन हो रहा है। तो आपके पास जो रूल आ रहा है वो ये है कि ऐड 3। आपने क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी टाइम्स विल ही एक्सरसाइज ऑन थर्सडे इफ़ ही कीप्स इंक्रीजिंग द टाइम द सेम मैनर। आपने बताना है कि अगर वो इसी मैनर में, इसी पैटर्न में अगर वो एक्सरसाइज करे तो जुमेरात के दिन वो कितनी मिनट्स जो एक्सरसाइज करेगा। तो आप लिख लें थर्सडे इज इक्वल टू, तो जो वेनसडे की टाइमिंग है जो कि 16 है, आपने 16 मिनट्स उसमें आपने 3 ऐड कर देना है, तो आपके पास थर्सडे की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 19 मिनट्स। इसका आंसर है 19। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 2n+6। तो nth टर्म हमें दी गई है 2n+6, हमने 5th, 10th और 15th टर्म निकालनी है। तो ये nth टर्म हमारे पास है, अगर हम 15th टर्म निकालना चाहते हैं तो हमने n की जगह पे 15 पुट कर देना है इसमें, तो ये आ जाएगा 2 × 15+6 विच इज़ इक्वल टू 30+6 इज इक्वल टू 36। अगर हम 10th टर्म निकालना चाहते हैं तो हमने n की जगह पे 10 पुट कर देना है, तो 2 × 10+6 इज इक्वल टू 20+6 इज इक्वल टू 26। और अगर हम 5th टर्म निकालना चाहते हैं तो हमने n की जगह पे 5 पुट कर देना है, तो हम लिखेंगे 2 × 5+6 इज इक्वल टू 10+6 इज इक्वल टू 16। तो आपके पास जो आंसर है वो 16, 26 और 36 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 5n-1। nth टर्म हमें गिवन है 5n-1, हमने फाइंड आउट करनी है 3rd and 8th टर्म। तो थर्ड टर्म के लिए हमने करना ये है, n की जगह पे हमने 3 पुट कर देना है, तो 5 × 3-1 इज इक्वल टू 15-1 इज इक्वल टू 14। और अगर हमने 8th टर्म फाइंड आउट करनी है तो हम लिखेंगे 5 × 8-1, 40-1 इज इक्वल टू 39। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 4+7n। तो हमें nth टर्म दी गई है 4+7n, फाइंड द 9th और 24th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो अब हमने 9th टर्म निकालनी है, 9th टर्म इज इक्वल टू 4+7 × 9, तो यह आ जाता है 4+63 इज इक्वल टू 67। और अगर हमने 24th टर्म फाइंड आउट करनी है तो हमने n की जगह पे 24 पुट कर देना है, तो ये आ जाता है 4 × 168, 4 में 168 ऐड कर दें तो ये आ जाता है 172। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज, nth टर्म हमें दी गई है n/2n+1, फाइंड द 30th टर्म। तो हमने 30th टर्म फाइंड करनी है, 4/30th टर्म हमने क्या करना, जहाँ n है वहाँ पे 30 पुट कर देना है इसमें, तो 30/2 × 30+1, तो ये आ जाता है 30/60+1 और ये आ जाता है 30/61।
इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।